एक कहानी है एक तितली की, बटरफ्लाई, तितली की कहानी। तितली एक दिन गार्डन में थी और वो फूल का रस चूस रही थी। बगीचे का मालिक था, वो अपने घर से बाहर निकला और उसने तितली को देखा और तितली बहुत सुंदर थी दिखने। उसने उसे ध्यान से देखने की कोशिश की और जब वो उसके करीब गया और उसने उसे ध्यान से देखा तो तितली जोर जोर से अपने पंखों को फड़फड़ा रही है और वो जोर जोर से अपने पंखों को फड़फड़ा रही। तो उसे दिमाग में एक विचार आया कि कहीं ये तितली फंस गई है, ये अपने पंखों को जोर जोर से हिला रही है, ये फंस चुकी है, मुझे चाहिए कि मैं इस तितली को यहां से बाहर निकालूं, इस संकट से मैं इस तितली को बाहर निकालूं, इस कठिन परिस्थिति से मैं इस तितली को बाहर निकालूं। और उसने कोशिश की और वो उसके करीब गया और उसने उसके पंखों को पकड़ा और पंखों को पकड़ करके बाहर लेके आया और उसने उसे छोड़ दिया और तितली उड़ने लगी। परंतु मेरे प्रियो, तितली ज्यादा देर नहीं उड़ पाई, तितली कुछ ही फीट तक उड़ी और उसके बाद नीचे गिर गई और जब उसने देखा तो वो मर चुकी थी। और वो उसको लेके गया, किसी लेबोरेटरी में लेके गया, लैब में लेके गया और वहां उसने उसका परीक्षण किया और उसने क्या देखा कि उसकी जो पंख हैं उन पंखों में मांसपेशियां हैं। उसे बड़ा अपने आप पर गिल्ट महसूस हुआ कि ये तितली मेरे कारण मरी है, ये फंसी हुई नहीं थी, ये तितली फंसी हुई नहीं थी बल्कि ये अपने पंखों को इसलिए फड़फड़ा रही थी ताकि उसकी मांसपेशियां मजबूत हो सके, ताकि वो उस दूरी को तय कर सके जहां वो उड़ना चाहती है। एक फूल से दूसरे फूल में, एक गार्डन से दूसरे गार्डन में उड़ने के लिए तितली को चाहिए कि जहां पर वो बैठी हुई है पहले वो अपने पंखों को फड़फड़ाएगी और जब वो तेजी से अपने पंखों को फड़फड़ाएगी तो उसके पंखों में मांसपेशियां जो है वो मजबूत होंगी और तब वो उसे अधिक दूर तक उड़ने में सहायता देंगी। अगर तितली अपने पंखों को न फड़फड़ाए तो वो उड़ नहीं पाएगी। तितली हमेशा अपने पंखों को फड़फड़ाती हुई रहती है, चाहे वो बैठी हुई है चाहे वो उड़ रही है। क्यों? क्योंकि जब वो अपने पंखों को फड़फड़ाती है तब उसे दूर तक उड़ने की सामर्थ्य मिलती है, तब उसकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और तब वो तेजी से उड़ पाती है। जिस प्रकार तितली अपने पंखों को फड़फड़ा रही थी ताकि वो उड़ सके, उसी प्रकार से वो कठिन परिस्थितियां, वो विपरीत परिस्थितियां या फिर वो परेशानियां, वो दुख हमारे जीवन में, वो कठिन समय, वो संकट इसलिए आता है ताकि हम दूरी को तय कर सकें, ताकि हम तितली की तरह एक फूल से दूसरे फूल में, एक गार्डन से दूसरे गार्डन में, एक जगह से दूसरी जगह, एक उन्नति से दूसरी उन्नति में जा सकें, एक लेवल से दूसरे लेवल में जा सकें। इसलिए हमारे जीवनों में कई बार ये संकट आते हैं, कई बार ये दुख आते हैं, कई बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं, कई बार ये परेशानियां हमारे जीवनों में आती हैं, कई बार ऐसा समय आ जाता है जब हमें समझ में नहीं आता, हम प्रार्थना करते हैं, हम रोते हैं परमेश्वर के सामने और कई बार हम यह सोच देते हैं कि परमेश्वर तो निर्दयी है, वो हमें इस परेशानी से बाहर क्यों नहीं निकाल देता। परंतु मेरे प्रियो, अगर उसने आपको एकदम से उस परेशानी से बाहर निकाल दिया और आपने उड़ना तो सीखा ही नहीं तो हो सकता है आपके भी पंख टूट जाएं और जब पंख टूट जाएंगे तो हम मर जाएंगे। परमेश्वर को पता है, उस गार्डन की तरह, गार्डनर की तरह नहीं है परमेश्वर कि उसे पता नहीं था कि तितली के पंख टूट जाएंगे। परमेश्वर को पता है यदि मैं इसे एकदम से निकाल दूं तो इसके पंख टूट जाएंगे। परंतु परमेश्वर कुछ सिचुएशंस को, कुछ परिस्थितियों को हमारे जीवन में रहने देते हैं और उन्हें कुछ नहीं छेड़ते हैं क्योंकि उन्हें पता है ये हमारे जीवन के लिए एक लेसन है, हमारे जीवन के लिए एक पाठ है और जब हम इससे गुजरेंगे तब हम अपने जीवन के लिए एक बहुत बड़ा पाठ, लेसन सीखे जाते हैं और आगे अपने जीवन में उसे फॉलो करते हैं। परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। परमेश्वर चाहे तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब हम प्रार्थना करेंगे उसी समय वो हमें उस परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है, उस संकट से बाहर निकाल सकता है। परंतु परमेश्वर कभी कभी ऐसा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्या वो निर्दयी है? नहीं, परमेश्वर निर्दयी नहीं है। क्या वो प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है? नहीं, परमेश्वर प्रार्थनाओं को भी सुनता है। क्या वो हमसे प्रेम नहीं करता? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। क्यों मेरे साथ ही ऐसा? क्यों आपके ही साथ में ऐसा नहीं होता? संसार में बहुत लोग हैं जिनके साथ में ऐसा होता है। वो केवल इसलिए है ताकि आप एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई तक पहुंच सको, ताकि परमेश्वर ने जो योजना आपके लिए बनाई है आप उस योजना को पूरा कर सको, ताकि परमेश्वर आपको उस लेवल तक पहुंचा सके जहां उस जो जगह उसने आपके लिए तैयार कर रखी है। इसलिए आपको उन परिस्थितियों से होकर के गुजरना पड़ेगा।
परमेश्वर हमें सिखा रहा है, परमेश्वर हमें जीवन का पाठ सिखा रहा है, परमेश्वर हमें एक बहुत बड़ा लेसन सिखा रहा है उस अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हमारे जीवन से कुछ बड़ा करने के लिए परमेश्वर हमें एक लेसन सिखा रहा है, हमें एक पाठ सिखा रहा है।